जितना हमने देखा है घर के अंदर, राहुल ने हार मान ली थी एक टाइम पे और जो रुबीना ने हार नहीं मानी थी। बिग बॉस ने मुझे निचोड़ दिया है पूरा, मेरा जो व्यक्तित्व मुझे खुद को पता नहीं था वो दुनिया के सामने आ चुका है। आई ऑल्सो डिजर्व, शी ऑल्सो डिजर्व। अगर मुझे कोई गलती दोहरानी ना पड़े और सुधारनी पड़े तो मैं ये कहूँगी जो लोग मेरे करीब थे उनको मैं उस वक्त ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती तो वो बहुत बढ़िया होता। जो मैं अंदर बैठ के जंग लड़ रही थी, मेरे फैंस वही बाहर बैठ के मुझे वोट करके जिताने के इसमें लगे हुए थे। इट्स अ मैजिकल जर्नी। बहुत मुश्किल परिस्थिति थी घर के अंदर रहने में, बट उसको मेरे फैंस ने बहुत इजी कर दिया बाहर बैठ के। जो मैं अंदर बैठ के जंग लड़ रही थी, मेरे फैंस वही बाहर बैठ के मुझे वोट करके जिताने के इसमें लगे हुए थे। सो या अगर मेरे बाद मैं किसी को विनर देखती हूँ तो वो रुबीना थी। अगर मैं नहीं तो रुबीना जीती, बहुत बढ़िया हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में। शी डिजर्व, आई ऑल्सो डिजर्व, शी ऑल्सो डिजर्व। लेकिन अगर मैं पीछे रहती और वो मुझसे आगे चली जाती तो डेफिनेटली शी डिजर्व 100%। सी डिजर्विंग पॉइंट से ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करके बहुत साल हुए तो डेफिनेटली उसने इतने सालों में इतने फैंस का दिल जीता है तो डेफिनेटली उसके फैन फॉलोइंग ज़्यादा है मुझसे। बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी सपोर्टिंग लेडी, शी स्टैंड फॉर राइट थिंग्स। उसके दोस्तों को, उसके मतलब उसके जो क्लोज पीपल है उनको कितनी इंपॉर्टेंस देना, कितनी रिस्पेक्ट करना, उनको कहाँ सपोर्ट करना, शी नोज इट एंड शी डज इट सो करेक्टली। सब अपने पॉइंट्स सही से रखना, तो शी इज़ अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट। या आई एम नो वन टू जज, बट जितना हमने देखा है घर के अंदर, राहुल ने हार मान ली थी एक टाइम पे और जो रुबीना ने हार नहीं मानी थी, तो जो हार नहीं मानता उसी को डिजर्विंग आप कह सकते हो। तो रुबीना ने हार कभी नहीं मानी। सी मुझे नहीं लगता है मुझ में कुछ कमी रह गई थी, बट अगर मुझे कोई गलती दोहरानी ना पड़े और सुधारनी पड़े तो मैं ये कहूँगी जो लोग मेरे करीब थे उनको मैं उस वक्त ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती तो वो बहुत बढ़िया होता। बिग बॉस ने मुझे निचोड़ दिया है पूरा, मेरा जो व्यक्तित्व मुझे खुद को पता नहीं था वो दुनिया के सामने आ चुका है और इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस या गम नहीं है। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करके सपोर्ट किया है, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। और मैंने बिग बॉस से क्या लिया, मेरा सपना था बिग बॉस में आना, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। मैंने अपना सब कुछ दिया है बिग बॉस को और मैंने बिग बॉस से कुछ नहीं लिया, बट मैंने सीख लिया है कि जो लोग आपके दोस्त होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं, उनको आपको इम्पोर्टेंस उसी वक्त देना होता है, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो अफसोस जताना या वो अफसोस करना, उस बात पे रिग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो आपके दोस्त है उसे संभाल के रखो और उसको उतनी इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट। हाँ, वो अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर बना था क्योंकि वो अच्छा इंसान था, आई यूज़ टू लाइक हिम एज अ नाइस ह्यूमन बींग और कुछ नहीं, तो सॉफ्ट कॉर्नर था। अभी वो क्या था क्यों था मुझे खुद को नहीं पता। जान और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, हम अभी भी बात कर रहे हैं। घर से बेघर होने के बाद भी हमारी बातचीत शुरू हो गई एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी जेन्युइन गाय, आई लाइक टॉकिंग टू हिम। और बहुत मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, उसको बहुत हर्ट हो जाता है, इमोशनल गाय है, बहुत अच्छा है। पहली चीज़ जो मैंने घर से बाहर आकर की तो आई स्टार्टेड बिग बॉस वॉइस और मैं घर के अंदर गई, मेरे घर के अंदर गई और मैंने पेट्स को गले लगाया, मैं उनके साथ खेला। अपने पेट्स को बहुत मिस किया मैंने, बहुत मिस किया। यस yes.